छत्तीसगढ़ के महासमुंद में जिला प्रशासन की ओर से टूर डे सिरपुर साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। महासमुंद के पुरातात्विक नगरी सिरपुर के पर्यटन विकास को निखारने, इसे प्रचारित करने के साथ ही लोगों में साइकिलिंग से अच्छे स्वास्थ्य का संदेश देने आयोजन किया गया, जहां वन विद्यालय के औपचारिक कार्यक्रम में संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर और कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर ने साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया। टूर डे सिरपुर के इस साइकिल यात्रा में जिले के 100 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। और टूर डे सिरपुर आज है, उसमें रायपुर से भी कुछ लोग आ रहे हैं और महासमुंद से सिरपुर तक भी लोग जा रहे हैं। इसमें यानी मेन एम है कि एक्सरसाइज के लिए बढ़ावा देना चाहिए और सिर्फ यानी मेल ही लोग नहीं, यानी फीमेल लोग भी इसमें शामिल होना जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज ये चीज है कि सबके लिए जरूरी है। तो मुझे तो यानी मैं खुद डॉक्टर हूँ तो मुझे लगता है एक्सरसाइज को बढ़ावा देने के लिए ये साइकिलिंग बहुत जरूरी है। तीन चीजों का कंसेप्ट लेते हुए जिला प्रशासन के द्वारा टूर डे सिरपुर को लॉन्च किया गया था। पहला है, महासमुंद में कुछ ऐतिहासिक स्थल है जैसे सिरपुर है। सिरपुर का न केवल पौराणिक महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है और पुरातात्विक भी महत्व है। एक तरफ हम लोग जहाँ टूरिज्म के सर्किट बनाने की बात करते हैं, उसी तरफ टूरिज्म के उस बड़े सर्किट में सिरपुर को जिस स्थान पे होना चाहिए संभवतः उससे कहीं थोड़ा सा पीछे है। उसको और आगे बढ़ाने के लिए कुडार में हमने वन चेतना केंद्र शुरू किया है, इको पर्यटन शुरू किया है, उसको थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो है राजीव युवा मितान क्लब ऐसी एक योजना भी चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत युवाओं को प्रोत्साहित करना है तथा सिरपुर जिले, हमारे सिरपुर जो एक ऐतिहासिक धरोहर है उसको पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दो आज टूर दी सिरपुर किए जा रहे हैं। रायपुर से भी सिरपुर तक जो एक 82 किलोमीटर की है, लगभग 50 लोग रायपुर से भी निकले हैं। जिला प्रशासन की एक नई सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशानुरूप कोडार को और सिरपुर को जो हमारे पुरातन काल में एक दक्षिण महाकौशल की राजधानी हुआ करती थी सिरपुर, उसको आगे बढ़ाने के लिए पर्यटन की दृष्टि से और कोडार को पर्यटन की दृष्टि से और जो युवा मितान क्लब जो माननीय सीएम साहब जिसमें युवाओं को आगे लाना चाहते हैं, तो लड़कों को भी हमारे युवाओं को फिट